सो हेलो स्टूडेंट्स, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम आ गए थे अपने अगले पार्ट में। और लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के जो हमारा लास्ट वीडियो था, लास्ट पार्ट में हमने माइक्रोब्स के हाउस होल्ड यूजेस और इंडस्ट्रियल यूजेस के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रोडक्शन करते हैं तो किस लिए हम उनका प्रोडक्शन करते हैं और उनसे बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या हमें उनसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या हमें उनसे सर्विसेज मिलती हैं। बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज़ केवल इन्हीं दो पर्पज़ के लिए करते हैं, आइदर टू ऑब्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम देम और टू ऑब्टेन सर्विसेज फ्रॉम देम। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, सीवेज क्या होता है पहले उसको समझते हैं, फिर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करेंगे और माइक्रोब्स का यूज़ हम सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, सीवेज क्या होता है। जो भी हमारे घर से, हमारे सोसाइटी से, हमारी कॉलोनी से या हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक है, और वो वेस्ट वाटर जिन नालियों से, जिन ड्रेनेज सिस्टम से होके बाहर जाता है, उस ड्रेनेज सिस्टम, उस वाटर को हम सीवेज बोलते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड सीवेज भी होता है, इंडस्ट्रियल सीवेज भी होता है, यानी जो घरेलू घर से या कॉलोनी से जो सीवेज निकलता है उसे हम हाउस होल्ड सीवेज बोलते हैं, और जो फैक्ट्रीज और कारखानों से जो सीवेज निकलता है उसे इंडस्ट्रियल सीवेज वेस्ट हम कहते हैं। अब सीवेज की कहानी ये होती है कि सीवेज में जब हम बात करते हैं तो उसमें केवल हार्डली 1% ही जो है वो पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, 1% ही जो होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो पॉल्यूटेंट होते हैं, और 99% पार्ट जो है, याद रखिएगा, 99% पार्ट जो है वो वाटर होता है, लेकिन उस 1% वेस्ट 1% पॉल्यूटेंट की वजह से वो 99% वाटर भी वेस्ट हो जाता है और सीवेज का फॉर्मेशन होता है। अब जो वाटर सीवेज के फॉर्म में निकल रहा है ना, हम उस वाटर को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ना उसका हम किसी दूसरे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ना एग्रीकल्चर, ना किसी हाउस होल्ड पर्पज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे हम उस वाटर को हम यूज़ करने लायक बना पाए, क्योंकि वो वाटर वेस्ट हो गया। अगर हम उसको ऐसे ही बहा देंगे, ऐसे ही उसको जाने देंगे, तो हमारे लिए आगे चल के वाटर की बहुत बड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि 99% पार्ट उसका जो वो प्योर वाटर था, केवल उस 1% इम्प्यूरिटी की वजह से वो 99% वाटर भी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो कैसे हम उस वाटर को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और उसी का ये पॉइंट है जिसे हम कहते हैं वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, उस वाटर को जो पोल्यूटेड वाटर है, जो सीवेज का वाटर है, उस वाटर को हम ट्रीट करेंगे, और कैसे ट्रीट करेंगे जिससे कि हम उस वाटर को दोबारा यूज़ करने लायक बना लें। ठीक है, दोबारा हम उसे यूज़ करने लायक बना दें, चाहे हम उसका एग्रीकल्चर में यूज़ करें, चाहे हाउस होल्ड पर्पजेज में यूज़ करें। तो कैसे हम उस वाटर को दोबारा यूज़ करने लायक बनाते हैं, उसी को हमें इस चैप्टर के इस वीडियो में, इस पार्ट में हमें देखना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह पर वाटर को ट्रीट करने के लिए बड़े बड़े प्लांट बनाए हैं, जिन्हें हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट बोल लो या वाटर ट्रीटमेंट बोल लो, दोनों बातें हैं, क्योंकि सीवेज का मैक्सिमम पार्ट वाटर ही है, तो हम सीवेज का ट्रीटमेंट कर लें या वाटर का ट्रीटमेंट कर लें, दोनों की बात सेम है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि हमने, अगर जो हमारा सीवेज निकलता है वो नदियों में जाता है, नदियाँ पोल्यूटेड होती हैं, तो या बड़े बड़े नाले होते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स होती हैं जिनके थ्रू वो सीवेज वेस्ट वाटर जाता है, तो वो जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी पॉल्यूटेड होती हैं। तो उन वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करें जिससे कि वहाँ पर पाए जाने वाली जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज़म है, वो भी अफेक्ट ना हो, उनको भी जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको प्रॉब्लम से बचाया जा सके। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट,
और वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हम बनाते हैं, और उन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ही हम जो सीवेज वाटर है उनको ले जाते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, और उनको हम कंपैरेटिवली पहले से जो है जो नॉन यूजेबल फॉर्म था उनको हम रीयूजेबल फॉर्म में बदलते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट कोई एक स्टेप का ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो म्यूनिसिपल वेस्ट या सीवेज को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ अ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। इस म्यूनिसिपल वेस्ट में लार्ज अमाउंट का जो है वाटर प्रेजेंट होता है, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये वेस्ट मटेरियल ही उसे पूरे वाटर को 99% वाटर को इम्प्योर बना देता है। मैं बार बार ये डेटा यूज़ करता हूँ क्योंकि पॉल्यूशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये डेटा दोबारा से यूज़ होगा। तो सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या STPs टू मेक लेस पॉल्यूटिंग, इट इंक्लूड टू स्टेप। तो ऐसा ट्रीटमेंट करके हम मोर पॉल्यूटेड वाटर को लेस पॉल्यूटेड वाटर में बदल सकते हैं और उसका रीयूज हम कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं, और इसके दो स्टेप होते हैं, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं इसके दो स्टेप हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? पहले स्टेप को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं और दूसरे स्टेप को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसी स्टेप में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जिसके लिए इसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम जस्ट अ मिनट, तो पहले हम प्राइमरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें, प्राइमरी ट्रीटमेंट पे आते हैं। सो इट इज़ अ फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल, इट इंक्लूड रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ ग्रिट बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट एक तरह का फिजिकल जो है रिमूवल है, कि जो हमारा सीवेज है, अब सीवेज में कई तरह का वेस्ट मटेरियल होगा, कुछ प्लास्टिक होगा, कोई ऐसा हल्का वेस्ट मटेरियल होगा जो सीवेज के वाटर पे फ्लोट करे, और कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो उसकी बॉटम पर प्रेजेंट होगा, जो हैवी मटेरियल होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे। तो जो भी हम क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए एक बड़ा टैंकर रहता है, उसमें सीवेज को डाल देते हैं, और सीवेज को डब उसमें डाल देते हैं उस प्राइमरी टैंकर में जहाँ पर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब सीवेज को उसमें डाल देते हैं तो काफ़ी कुछ मटेरियल होता है जो सीवेज पे फ्लोट कर रहा होता है। तो जो फ्लोट कर रहा होता है मटेरियल, उसको हम ऊपर से फिल्टर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और फ्लोटिंग डेब्रिस को हम रिमूव करते हैं कैसे, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से, ठीक है। किससे कलेक्ट करते हैं? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। अब जो हैवी पार्टिकल है जो फ्लोट नहीं कर सकते, वो सेटल डाउन हो जाते हैं उस वाटर में, उस टैंकर में हम उसको रोक देते हैं कुछ समय के लिए, जिससे कि उसमें जो हैवी पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाए। हैवी पार्टिकल में क्या होगा, ग्रिट्स होंगे, स्मॉल जो है पेबल्स होंगे, सॉइल पार्टिकल्स होंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और सेटल डाउन के प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोल रहे हैं। तो ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। आप देख रहे हैं एक बड़ा टैंक जिसमें हमने सीवेज को डाला, सीवेज को डालने के बाद जो फ्लोटिंग मटेरियल था उसको हमने ऊपर से कलेक्ट करके रिमूव कर दिया, जिसे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कहा जा रहा है। जो हैवी पार्टिकल है उसको हम वेट करेंगे कि ये सेटल डाउन हो जाए, धीरे धीरे टाइम लगेगा, एक घंटे, दो घंटे, एक दिन, दो दिन लगेगा, वो हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, उसे हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। अब जो लाइट पार्टिकल थे उनको भी हमने रिमूव कर लिया, और जो हैवी पार्टिकल थे इनको हमने क्या किया, सेटल डाउन करा दिया। अब जो प्राइमरी टैंक में जो मटेरियल प्रेजेंट है, जो सीवेज प्रेजेंट है, इसको हम क्या करेंगे। अब बात आ गई दो पॉइंट की, कि हमारे पास अभी दो चीज़ें हैं, एक जो सब्सटेंस जो सेटल डाउन हो गया है, सेडिमेंटेशन हो गया है, और जो वाटर कंटेंट है जो अभी भी उस टैंक में प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, तो जो सॉलिड मटेरियल जो सेटल डाउन हो गया है किसमें, प्राइमरी टैंक में, किस समय, प्राइमरी ट्रीटमेंट के समय, उस सेटल डाउन मटेरियल को, उस सेडिमेंटेशन से सेटल हुए मटेरियल को कहा जाता है प्राइमरी स्लज, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्लज। और
जो अभी उसमें वाटर कंटेंट है, जो जिसमें हम सीवेज का जो वाटर कंटेंट है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, उसे कहा जाता है प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, तो प्राइमरी इफ्लुएंट में ही प्राइमरी स्लज सेटल डाउन हो चुका है। अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। भाई हम नीचे वाले प्राइमरी स्लज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम पंप के थ्रू जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको प्राइमरी टैंक से निकाल के सेकेंडरी टैंक में जो है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे कि हमारा प्राइमरी स्लज डिस्टर्ब ना हो, ऐसा ना हो कि वो दोबारा से मिक्स हो जाए उसमें। ठीक है ना, थोड़ा सा मिक्स होगा लेकिन मैक्सिमम पार्ट हम क्या कर सकते हैं उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। तो प्राइमरी स्लज को हमने क्या कर लिया, प्राइमरी इफ्लुएंट से काफ़ी मात्रा उसकी 100% नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा अमाउंट उसके साथ जाएगा ही जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ अमाउंट हम उसमें से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो हैवी पार्टिकल्स हमने रिमूव कर लिया, जो लाइट फ्लोटिंग पार्टिकल्स थे हमने रिमूव कर लिया। प्राइमरी टैंक से सब्सटेंस को निकाल के हम डालते हैं किसमें, एक दूसरे टैंक में जिसमें हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, और उस टैंक को हम सेकेंडरी टैंक कहते हैं। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने निकाला और उसे हमने डाला सेकेंडरी टैंक में, और सेकेंडरी टैंक को एरेशन टैंक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एरेशन टैंक क्यों कहा जाता है, क्यों उसे हम उस टैंक में हम कॉन्स्टेंटली जो है ना, जैसे ब्लेंडर होता है बड़ा सा, ठीक है, उसमें हम ऐसे फ्लैप्स होते हैं जो लगातार मूव करते रहते हैं, और उस मूवमेंट को एजिटेशन बोलते हैं। तो एजिटेशन की वजह से वो कंटिन्यूसली जो वहाँ का प्राइमरी इफ्लुएंट है जो एरेशन टैंक में डाला गया वो कॉन्स्टेंटली एयर के कॉन्टैक्ट में आता है। अब क्यों आता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम ये जो एजिटेशन टैंक है या एरेशन टैंक है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डालते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, हम एरोबिक माइक्रोब्स को डालते हैं, जैसे मीथेनोजेंस। ठीक है, मीथेनोजेंस नाम नोट कर लेना। तो एरोबिक माइक्रोब्स को डालते हैं, और माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है सेकेंडरी टैंक में इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वहाँ पर मौजूद उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने लगते हैं। अब जब ये डिकम्पोज करने लगते हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन यूज़ करने लगते हैं। ऑक्सीजन यूज़ करने लगते हैं तो जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, वो फ्लैप से एजिटेशन कराते हैं कि वो मिक्स होता रहे। मिक्स होता रहेगा तो मिक्सिंग से दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपरली पूरे प्राइमरी इफ्लुएंट के हर एक पार्ट में फैलकर इक्वली जो है डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो वाटर है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट का वाटर कंटेंट है, वो जब मूव करेगा तो बार बार सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा, और उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो वो सरफेस से ऑक्सीजन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दो बेनिफिट मिल जाएंगे, यानी एक तो इवनली डिकम्पोजिशन होगा उस टैंक में, और दूसरा कि माइक्रोब के यूज़ करने से जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था उस ऑक्सीजन लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं जस्ट बाई एजिटेशन। लेकिन जब ये माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऊपर फिर डिपॉजिट हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा। किस फॉर्म में, फ्लॉक्स के फॉर्म में, एक मैश जैसा फॉर्म बनता है जिसे हम फ्लॉक्स बोलते हैं। और क्या करते हैं, अगर और ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, ध्यान से सुनेगा, तो हम एयर पंप भी लगाते हैं इस बायोलॉजिकल जो टैंक है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें एयर पंप भी लगाते हैं। एयर पंप क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को उसमें पंप करता रहता है, तो ऑक्सीजन उस जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया था जहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है वहाँ पर लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई जाती रहती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जाती रहती है तो उस सब्सटेंस का जो वाटर है, जो सीवेज है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जो सीवेज लिया गया है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट लिया गया है, उसका ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं होने देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो वो वाटर और ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उस ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, यानी DO लेवल कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और उस डिमांड को कहा जाता है BOD। BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी वाटर में
ऑक्सीजन की कमी से एक डिमांड डेवलप हुई है, उस डिमांड को बीओडी कहा जाता है एंड इट रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर। तो बीओडी वाटर का जितना ज़्यादा होगा वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। तो हमें क्या करना है, बीओडी को कम करना है। और बीओडी को कम करने के दो तरीके, एक तो एजिटेशन करा रहे हो, फ्लैप्स हैं लगातार ब्लेंडर के जैसे काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिससे जो प्राइमरी इफ्लुएंट है वो पूरा स्टर हो रहा है, मिक्स हो रहा है। और दूसरा हमने एयर पंप भी लगाया हुआ है। एयर पंप क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को पंप कर रहा है, जिससे कि बीओडी की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तो कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट एंड रिड्यूस द बीओडी ऑफ इफ्लुएंट। तो फ्लॉक्स जब बनेंगे डिकम्पोजिशन के बाद बनेंगे, इसमें हम मीथेनोजेन बैक्टीरिया का भी यूज़ कर सकते हैं, फंगस का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रोटोजोआ भी यूज़ होते हैं, लेकिन हम बेसिकली नाम याद रखें मीथेनोजेन को। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बीओडी आ गया, जिसके बारे में मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था। द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए या उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितने अमाउंट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसे बीओडी कहा जाता है। तो जैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा बीओडी की वैल्यू बढ़ने लगेगी, और बीओडी की वैल्यू बढ़ने लगेगी तो उसके लिए क्या होगा, वाटर और ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा। तो बीओडी इज़ अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, ये एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर में, उस सीवेज में प्रेजेंट है। द ग्रेटर द बीओडी मोर इट इज़ द पोल्यूटिंग पोटेंशियल, यानी जितना ज़्यादा बीओडी होगा वाटर पोल्यूट होने की चांसेस उतनी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा वाटर पोल्यूट हो सकता है। तो इस प्रोसेस को ज़रा हम देखें अगर, कि सबसे पहले अब जो हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट परफॉर्म किया है, जहाँ पर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किए हैं, तो डिकम्पोजिशन भी हो गया, हमने ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन कर लिया, बीओडी को बढ़ने भी नहीं दिया, डीओ जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन उसका मेंटेन रहा। अब इसका जो इफ्लुएंट है, इसमें से जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो सब्सटेंस बचा है, इसको हम निकालेंगे और इसको एक सेटलिंग टैंक में रखेंगे। सेटलिंग टैंक में डालेंगे तो सेटलिंग टैंक में क्या हो गया, इफ्लुएंट टू नेचुरल वाटर बॉडीज़, यानी उसका जो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो चुका है। और उसके फ्लॉक्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फ्लॉक्स को सेपरेट कर लिया और जो वाटर है उसको हमने नेचुरल वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया। क्यों, क्योंकि उसमें से जो बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हट चुका है, और उस वाटर को हम नेचुरल वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देंगे, जहाँ पर वो फर्दर अपने आप को प्यूरीफाई कर लेगा। हमेशा ये हम कहते हैं, एक बात हमेशा कहते हैं कि रुका हुआ पानी जो है वो गंदा होता जाता है और बहता हुआ पानी अपने आप को साफ़ कर लेता है। ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि जितना वो पानी फ्लो करेगा उतना ही वो पानी जो है ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा। ऊपर आएगा तो वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वाटर का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, और जितना ऑक्सीजन लेवल उसका मेंटेन रहेगा उसमें डिकम्पोजिशन उतना चलता रहेगा, और डिकम्पोजिशन जितना चलता रहेगा आगे चल चल के वो पानी क्या कर लेगा, अपने आप को साफ कर लेगा। लेकिन जो रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी जो है वो अपने आप को ऐसे मूव नहीं करा पाता, तो ऊपर का जो वाटर है, सरफेस है, वो तो कुछ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन नीचे का जो सरफेस है वो कभी वाटर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, नीचे के सरफेस का वाटर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, और ना आने की वजह से ही वो वाटर का बीओडी और ज़्यादा बढ़ने लगता है और वाटर और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, जो घर में हम एक्वेरियम यूज़ करते हैं तो उस एक्वेरियम में हम एयर पंप लगाते हैं। एयर पंप क्यों लगाते हैं, वो बबल्स पंप करता रहता है, और जो बबल्स पंप करता रहता है उस बबल्स में जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर में मिक्स होता जाता है, और वाटर का डीओ लेवल मेंटेन रहता है। एयर पंप बंद कर दें, 2-4-5 दिन बाद हम देखेंगे, हफ्ते भर बाद वो जो एक्वेरियम टैंक है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा, पानी ज़्यादा गंदा हो जाएगा, उसमें एल्गी, ग्रीन एल्गी वगैरह डेवलप हो जाएंगे, तो उसका बीओडी और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वाटर और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएंगे, फिर टाइम आएगा फिशेज जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और फिशेज मर जाएंगी। तो ये एक रिलेशन है किससे, कि जब हम नेचुरल वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करेंगे तो वाटर अपने आप को फर्दर और ज़्यादा प्यूरीफाई कर लेगा, लेकिन जो बेसिक था, हमने मेन
उसका जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक डिकम्पोज करने के लिए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको हमने डिकम्पोज कर लिया। अब जो फ्लॉक्स हमने ऊपर से कलेक्ट किया है उस फ्लॉक्स को हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन कराएंगे। उसका सेडिमेंटेशन होगा तो वो कहलाएगा एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, याद रखना फ्लॉक्स आफ्टर सेडिमेंटेशन इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हम दोबारा निकाल लेते हैं और इनोकुलम की तरह यूज़ करते हैं दोबारा जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराएंगे, और बाकी जो पार्ट है एक्टिवेटेड स्लज जो फ्लॉक सेटल डाउन हो चुके हैं उनके एक्टिवेटेड स्लज का जो बाकी पार्ट है उसको हम ले जाएंगे बड़े डाइजेस्टर टैंक में, वहाँ पर हम उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया से ट्रीट कराएंगे और फंजाई से ट्रीट कराएंगे, जिससे उनसे हम गैसेस का प्रोडक्शन कराते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन कराते हैं, मीथेन H2S CO2 का प्रोडक्शन कराते हैं और इनको हम इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस यूज़ करते हैं। तो यानी यहाँ पर हमें दो बेनिफिट हुआ, हमने सीवेज ट्रीटमेंट किया तो हमें एक तो वाटर मिल गया कंपेरेटिवली, फिर दूसरा जो डिकम्पोजिशन से जो फ्लॉक्स बना उस फ्लॉक्स को सेटल डाउन किया, सेटल डाउन करने के बाद वो एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है, उस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हमने निकाल दिया दोबारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराने के लिए कल्चर के फॉर्म में यूज़ करेंगे जिसे इनोकुलम कहा जा रहा है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में डाला जो एक बड़ा टैंक है, और वहाँ पर उस डाइजेस्टर को डाइजेस्टर में जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको एनारोबिक बैक्टीरिया से ट्रीट कराएंगे जिससे उसमें से बायोगैस प्रोडक्शन हम कराते हैं। और यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं जनरली किसका, मीथेनोजन बैक्टीरिया का ही यूज़ करते हैं उसका बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट या ऐसा ही वाटर ट्रीटमेंट को लेकर किया गया है, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान टू सेव फ्रॉम वाटर पोल्यूशन। गंगा और यमुना रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ एनवायरनमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाए हैं, जहाँ पर ऐसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जहाँ पर इनके वाटर को ट्रीट करके कंपेरेटिवली लेस जो है पॉल्यूटेड बनाया जाता है और दोबारा उनको हम यूज़ कर सकते हैं, किसमें रिवर्स में रिलीज़ कर देते हैं जिससे आगे नदी जो है उसको और ज़्यादा साफ़ कर लेती है, क्योंकि हमने बताया था बहता हुआ पानी अपने आप को साफ़ कर लेता है लेकिन रुका हुआ पानी अपने आप को कभी साफ़ नहीं कर पाता बल्कि वो और ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ की, जिसमें हम देखेंगे माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें हम माइक्रोब्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो पीछे आप देख सकते हैं एक हमने डायग्राम लिया है, इस डायग्राम को देखें तो बायोगैस का ये बायोगैस प्लांट का ये डायग्राम है। उस डायग्राम में हमें तीन टैंक दिख रहे हैं, ठीक है, तीन टैंक कौन कौन से टैंक दिख रहे हैं, एक है मिक्सिंग टैंक, दूसरा है डाइजेस्टर टैंक और तीसरा है ओवरफ्लो टैंक। ठीक है, ओवरफ्लो टैंक। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये भी एक तरह का जो है डिकम्पोजिशन का ही प्रोसेस चलता है, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस चलता है, लेकिन कैसे चलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस चलता है, लेकिन ये प्रोसेस कैसे चलता है तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो बायोगैस की बात करें तो क्या होता है बायोगैस देखते हैं, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें मेनली पाया जाता है मीथेन यानी CH4 प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रोब सच एज मीथेनोजन, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मीथेन गैस यानी बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने मीथेन को बायोगैस इसलिए बोला क्योंकि बायोगैस का मेन कंपोजिशन मेन कंटेंट जो है वो मीथेन होता है, और ऐसे माइक्रोब्स जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं उन्हें मीथेनोजेंस कहा जाता है। एंड मीथेनोजेंस ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल एंड प्रोड्यूसेस CH4 अलॉन्ग विद CO2 एंड H2। तो CH4 CO2 और H2 ये तीनों मिलकर बायोगैस कहलाती है, और इनका प्रोडक्शन करते हैं कौन, मीथेनोजेन प्रोडक्शन करते हैं, और मीथेनोजेन एनारोबिक रेस्पिरेशन से ग्रो करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और इस डिकम्पोजिशन से ये मीथेन
यानी CH4 के साथ साथ CO2 और H2O का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मीथेनोबैक्टीरियम एक मीथेनोजन है फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ऑफ रूमेन ऑफ कैटल विच हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन। तो कैटल के रूमेन में पाया जाता है जो सेलुलोज का डाइजेशन कराता है, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैटल्स के रूमेन में होता है मीथेनोबैक्टीरियम, इसका यूज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस या बायोगैस। कैटल डंग जिसे हम गोबर कहते हैं कंटेन दीज बैक्टीरिया, सो डंग इज़ यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस और गोबर गैस। तो जब कैटल्स के रूमेन से वो बैक्टीरिया निकलता है तो कैटल डंग में वो प्रेजेंट होता है और इसलिए कैटल डंग का यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस या जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो बायोगैस प्लांट की बात करें तो बायोगैस प्लांट में हमने बात करी थी कि 3 टैंक होते हैं जिसमें एक स्लरी डालने के लिए होता है, दूसरा डाइजेस्टर और तीसरा स्लज होता है। यहाँ पर इनके बारे में डिटेल दी हुई है। तो कंसिस्ट ऑफ पहला अ कंक्रीट टैंक, पहला जो मेन टैंक है जो सेंटर पे टैंक है उसकी बात हो रही है, जो 10 से 15 फीट डीप होता है टू कलेक्ट बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ डंग। बायो वेस्ट यानी जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको डिकम्पोज किया जाए, जिसमें सेलुलोजिक सेल वॉल मटेरियल प्रेजेंट हो, एंड स्लरी ऑफ डंग, स्लरी ऑफ डंग यानी वाटर के साथ कैटल डंग को मिक्स करके इसमें डाला जाता है। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टंग इन द टैंक। तो एक जो है फ्लोटिंग कवर रखा जाता है, जैसे जैसे इस पे गैस फिल होती है वैसे वैसे ये जो कवर है ये राइज होता रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फ्लोटिंग जो है गैस होल्डर जो फ्लोट कर रहा है, जैसे जैसे इसमें लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ये गैस होल्डर का ये लेवल भी ऊपर आता जाता है जैसे जैसे इसमें गैस भरती जाती है। तो हम देख रहे हैं कि डंग और वाटर फीड स्लरी में डाला जाता है, वहाँ से ये डाइजेस्टर में जाता है, डाइजेस्टर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे मीथेन गैस बनती है, CO2 बनता है, H2 बनता है, और ये तीनों मिलकर गैस होल्डर जो कवर है उसमें जाते हैं, वहाँ से इनको आउटलेट के थ्रू बाहर कलेक्ट करके यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस और गोबर गैस। और जो डिकम्पोज्ड जो मटेरियल है दैट इज़ नोन एज स्लज, उसे हम वो हमें मिलता है एक दूसरे कंटेनर में जिसे हम स्लज कलेक्टर कहते हैं, एक दूसरे तीसरे टैंक में मिलता है जिसे हम स्लज कलेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये कंक्रीट टैंक की बात हो रही है, जो डाइजेस्टर है आप देख सकते हैं इसी टैंक के बारे में, 10 से 15 फीट की इसकी डेप्थ होती है। आउटलेट की बात करें, आउटलेट होता है 2 आउटलेट ऊपर, एक जहाँ पर सप्लाई ऑफ बायोगैस और इस बायोगैस का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं, कुकिंग में भी कर सकते हैं, और दूसरा आउटलेट जो है टू रिमूव स्पेंट स्लरी यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। तो जो स्लज है इसको हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो डिकम्पोज्ड हो चुका है स्लरी उसके बाद हम उसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। यूजेज ऑफ बायोगैस क्या है, कुकिंग एंड लाइटिंग में यूज़ किया जा सकता है, और यहाँ पर एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के बारे में लिखा है, IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ये दोनों मिलकर डेवलप टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। इन दोनों ने मिलकर इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन की इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो वीडियो के इस पार्ट में बच्चों इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में जहां पर हम माइक्रोब्स की बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर हम माइक्रोब्स को इन द फॉर्म